अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज इत्तेफाक से डेरा गाजी खान में हूँ और डेरा गाजी खान में मैं तो बहुत बड़ा हामी रहा हूँ डेरा गाजी खान का, कि पाकिस्तान की तहरीक में डेरा गाजी खान का बहुत बड़ा हाथ है। और डेरा गाजी खान में सबसे पहले पाकिस्तानी चौक के नाम से एक बाकायदा चौक बनाया गया। आज इत्तेफाक से मैं एक डेरा गाजी खान के ऐसे सपूत के पास बैठा हुआ हूँ कि जिसकी एक सियासी जद्दोजहद की एक बड़ी लंबी तफसील है। मेरी मुराद जो है वो मोहम्मद इकबाल साकिब साहब से है, जो कि बहुत ही नामवर और बहुत ही पाए के सियासी वर्कर हैं, और चाहे जैसा भी मौका आया है उन्होंने कभी भी उस चीज़ को गंवाया नहीं है, अपनी पहचान बनाई है। और जहां बड़े बड़े जागीरदारों और सरमायादारों का कब्जा था, वहां उन्होंने अपनी पहचान बनाई और मनवाई। इस वक्त भी वो बहुत सियासी ताकत में हैं, बहुत सियासी असर रसूख में हैं और एक तरह के अनथक कारकुन हैं। यही वजह है कि उनके डेरा गाजी खान के ज़िले के कारकुन जो हैं उनको हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, और इमरान खान की पसंद भी यही है और उन्होंने उनको ज़िला डेरा गाजी खान का सदर बनाया है। अच्छा, पहला सवाल तो इकबाल साकिब साहब के, आपकी बहुत मेहरबानी के आपने हमें वक्त दिया और मोहब्बत से आप तशरीफ़ ले आए हमारी बात के ऊपर। कहाँ एक कॉलेज के आप सदर थे और कहाँ आज आप एक सियासी तंजीम के ज़िले के सदर हैं, और यकीनी बात है कि अगली बार टिकट तो आपके लिए लाजमी बात है कि वो तो MNA का होगा, वो तो पिछली बार भी आपको मिला था। और कैसा महसूस करते हैं आप इस चीज़ को? जी, डेरा गाजी खान में वडेरा शाही जागीरदारों का असर रसूख रहा है। ये पहली बार डेरा गाजी खान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली महसूस कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेरा गाजी खान के एक मजबूत तरीन जमात के तौर पर शामिल है, और इस वक्त जो अवेयरनेस में है वर्कर्स के अंदर और पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर देख रहा हूँ, माजी में इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की रोशनी मुझे नज़र नहीं आई। डेरा खान जो पाकिस्तान के अहम तरीन मराकज से दूर उफ्तादा ज़िला है, एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इलाकई एतबार से, जोग्राफी एतबार से तो ये दूर उफ्तादा और पसमानदा है, लेकिन ज़हनी एतबार से बहुत है, ये बहुत खेज ज़िला है। और इसमें बड़े बड़े नामवर लोग, मैं ये कह सकता हूँ कि शरीफ अशरफ साहब जैसे, आमिर फहीम साहब जैसे, और फिर नासिर खान कोशा, आसिफ सईद कोशा, तारिक खान कोशा, और फिर ये इस तरह के नाम हैं अदब के हवाले से, शेर अदब के हवाले से अगर देखा जाए तो तारिक जो बेरवी अभी जो है एक शायर हमारे डेथ हुई है, इकबाल सोगड़ी का ताल्लुक इसी ज़िला से, रशीद खान मलवानी साहब का नाम नहीं था, मैं ऐसे ऐसे नाम एक बड़ी महानी तारीख है। तो पॉलिटिकली इस वक्त मैं बड़ा पूर्ण उम्मीद हूँ, बच्चे मेरी ट्रेनिंग क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से एक ग्रूमिंग जो है वो वहाँ से हुई, तो मैं हमेशा पूर्ण उम्मीद रहा हूँ। और लोग जब ये कहते थे कि ये बड़े नादान लोग हैं कि ये यहाँ डेरा गाजी खान के अंदर सियासत करके ये क्या हासिल कर रहे हैं, तो आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरू और ख़ासतौर पर इमरान खान ने जो करप्शन के खिलाफ एक जिहाद का ऐलान किया, और इमरान खान को विदर दी पार्टी और कामयाबी उनकी मुखालफत की थी और अंदरूनी मुखालफत की थी, और इमरान खान को ये कहा गया कि नाकामी की सूरत में और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आपके खिलाफ आने की सूरत में आपकी पार्टी कलेक्ट कर दी। तो मुझे इमरान खान का एक जुमला जो मैं समझता हूँ बड़ा तारीख साल है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया, इम्प्रेस किया, तो उसने कहा कि अगर इस करप्शन माफिया को ख़त्म करने के लिए मुझे अपनी ज़ात की कुर्बानी देना पड़े तो ये महंगा सौदा था। ये सही लीडर यही होता है, मैं ये समझता हूँ कि इससे ये जाहिर होता है कि इमरान खान ये वजारत उजमा और इस तरह के मनासिब से उर्दू से बालतर पार्टी के लिए काम कर रहा है, और इस वक्त मुल्क के अंदर
इस तरह के लीडर की जरूरत है और इसमें पूरी कौम चेंज है, तब्दीली चाहती है, चेंज चाहती है और वो इमरान खान की तरफ देख रही है। सही, तो परफेक्ट अल्लाह की जात है, बस मैं तो जो गिवन सर्कमस्टांसेस है इसमें इमरान खान एक बड़ा बेमिसाल लीडर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई में वतन है, जैसे भी हालात है अपने मुल्क के अंदर, अपनी बेटी के साथ साहिल भी है, बेटी के साथ एक मोहब्बत का इजहार भी उसका सामने आ रहा है। फिर दूसरी बात ये है कि वो उसने इस तवील अरसे में, अगर वो बुनियादी तौर पर पॉलिटिशियन नहीं, खुद भी इस बात का एतराफ करता है और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। इस वक्त एक ऐसा आदमी जो उन सबसे मुख्तलिफ है, उस सोच के एतबार से भी, अपने अमल के एतबार से भी, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है मैं उसको बेहतरीन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बहुत रोशन देख रहा हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है और असल जिस तरह उनका नारा है नया पाकिस्तान का, वो यही है कि सोच में तब्दीली है। तो ये बताएं कि आप जैसे पहले आप एक कारकुन थे और मुझे जो है वो आपकी एक बात बहुत पसंद है, वो ये कि आपके पास कोई ओहदा है या नहीं है लेकिन आप लगे रहते हैं। एक मैं तो गवाह हूँ इस चीज़ का ना कि एक स्कूटर आपके पास होता था और आप उसके ऊपर बैठकर डोर टू डोर और जा रहे हैं और आ रहे हैं, और फिर जब आप लॉयर बन गए और बार के आप मेंबर भी रहे, सदर भी रहे, मेरा ख्याल है कॉलोनी भी आपने वो कला हजरात के लिए मंजूर करवाई, वो भी बहुत बड़ा कारनामा था आपका। लेकिन एक ही वक्त में बहुत सी जहतें हैं आपकी और उन सारी जहतों को आप सबसे बेहतर क्या समझते हैं कि कारकुन की हैसियत से काम करते रहना चाहिए, इन टच रहना चाहिए सियासी मसाइल के साथ और रोज़ के मसाइल रोज़ पे जो है वो हल किए जाएं, टाले ना जाएं, या ये कि जो बात बस से बाहर हो तो उस पर खामोशी इख्तियार की जाए। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि एक तवील अरसे की जो दुनिया है और अगर उसमें देखा जाए 50-40 साल पॉलिटिकली उसका हासिल उसूल कोई खास नहीं है, नहीं है। चार मरतबा मैं टिकट पाने में कामयाब हुआ, मुझे पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट अवार्ड किया, मेरा टिकट मंसूख कराया गया था लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी क्योंकि मेरी मंजिल जो है वो टिकट MPA बन जाना, MLA बन जाना या किसी ऐवान में जाकर बैठना नहीं, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए एक स्ट्रगल, एक जुद्दोजहद बुनियादी मकसद लिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े अहदेदार हों और बड़े मनसबदार हों तो तब जाके आप काम कर सकते हैं। काम तो आप जो बाहसियत एक वर्कर के कर सकते हैं, ये वो एजाज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं, नहीं यकीनी बात है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि बहुत से सियासतदान इलेक्शन के करीब नमूदार होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन आप हर दौर में हमेशा अपने आप को फाल रखने में कामयाब रहे हैं और आपने साबित किया है माशाल्लाह, और नौजवानों से भी बढ़ के आपने काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप अगर जब इंशाल्लाह आप जीतेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बड़े फ़ख्र से कह सकूंगा कि भाई मेरे भाई छोटे मेरे शागिर्द जो है वो भी माशाल्लाह MNA बन गए, और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अभी आपने बहुत आगे जाना है, बहुत आगे मंजिलें पानी हैं। आपने हमें थोड़ा सा वक्त इनायत किया उसके लिए हम बहुत ममनून हैं। आप अभी अपने दोस्तों तक, अपने कारकुनों तक, अपने पाकिस्तानी भाइयों तक, बहनों तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हो तो बहुत खुशी होगी। जी, पैगाम मोहब्बत है और पैगाम यही है कि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है, एक ऐसा वतन है जो दुनिया के चंद इस तरह के खुश नसीब होने वाले मौसमों के अतबार से, जोग्राफी के अतबार से, अपनी इनफरादियत के अतबार से, यहाँ आलमी एतबार से भी बहुत है, आलमी एतबार से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे बड़ा टैलेंट है। पाकिस्तानी होने पे हमें फख्र है और हमारा जो अलमिया रहा है वो ये रहा है कि हुकूमतें हमारी अपनी नहीं,
हमारी अपनी वोट की पर्ची से तुम करती उसकी हुरमत को कायम नहीं रखा गया। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानियों के वोट से हुकूमतें बने और हुकूमतें आए, और हम ना उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है और ये दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक मुल्क है इंशाल्लाह, और इसके लिए जद्दोजहद की जरूरत है वो हम सबको जितना जितना हम उसमें हिस्सा करें। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके मिशन में पूरी पूरी मदद फरमाए और आप कामयाब हों, हमारी ये उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी हम जनाब इकबाल साकिब साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात हुई। सलामत रहें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।